कमल जी, बताइए प्लीज हमें कि जो लोग एक शिष्य पैदा करना चाहते हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मेरे इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वालों को मेरा हार्दिक नमस्कार और आदर स्वामी। मैंने सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज की संगत की है और वो फरमाया करते थे कि हमारे देश या दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बाकी सभी चीज़ों में बहुत बड़ी तरक्की की है। जैसे फसलों, जो पहले एक मन फसल पैदा होती थी, आज वो चार चार मन क्विंटल्स पैदा करती है। और जो पशु दूध पहले 5-10 किलो देते थे, वो 40 किलो दूध दे रहे हैं। और फसलों, जानवरों की नस्लों में भी फ़र्क कर दिया, फसलों की शक्ल में भी उन्होंने बड़ी इन्वेंशंस की हैं, नई नई टेक्निक निकाली है। लेकिन दुनिया के किसी भी हिस्से में ये शिक्षा नहीं दी जाती कि बच्चे को कैसे पैदा करना चाहिए। हालांकि मेरे देश में कितने संत हैं, कितने गुरु साहबान हैं, कितने किडेरे हैं, सबने अध्यात्म को ही अपने प्रचार का साधन बनाया है, जबकि हमारा बेस जो है वो हमारी संतान है। मैं सनातन धर्म के से लेता हूँ, क्योंकि हमारी मानव जाति का सबसे मूल धर्म सनातन धर्म है, जिसमें अनेक संस्कार हैं। शादी के संस्कार हैं, गर्भाधान के संस्कार हैं, नाम का संस्कार है, मुंडन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आते। अब तो शादी का समय भी नहीं निश्चित किया जाता, अपनी मर्जी से जब मर्जी शादी कर लो, दिन को कर लो, शाम को कर लो, जब मैंने देखा है टाइम ही नहीं है। जबकि मैंने बचपन में देखा था कि शादी का मुहूर्त सुबह का होता है, आज तो बराते ही 3 बजे आती है शाम को, तो वो कैसा है? वो तो एक किस्म का शादी नहीं है, जिसको मैं कहूँगा शादी नहीं है, वो मेला है। और शादी के बाद लड़का लड़की ऐसा समझते हैं कि उन्हें अपने शरीर के भोग करने का एक लाइसेंस मिल गया है। वो इस बात को नहीं ख्याल करते कि ये जो शादी है, ये अच्छी नेक और उच्च कोटि के विचारों वाली, देश के भले के लिए माँ बाप की सेवा करने वाले और देश के कानून को पालन करने वाले पैदा होंगे, ऐसा किसी को भी ख्याल नहीं है। इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम अपने जो प्राचीन हमारी परंपरा थी उसको भूल गए हैं, जिसमें 100 साल से भी इंसान की ज़्यादा उम्र होती थी। अब 50 साल, 40 साल, 60 साल में आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण यह है कि हमने असूल को नहीं अपनाया। असूल यह है कि शादी के बाद, पहली तो बात यह है कि शादी जो है वो 25 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनातन के चार आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। और इस आश्रम पर चलने वाले की उम्र हमेशा 100 साल तक जाती ही थी। हमारे बुजुर्गों की उम्र 105 साल, 102 साल, 103 साल हमने देखा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, किसी की उम्र नहीं है, क्योंकि असूल नहीं है। हमारा जो शरीर की शक्ति है वो संतान पैदा करने के लिए 25 साल से बाद काबिल होती है। और देखने में क्या आया है कि 20 साल 15 साल में शादी, 25 साल तक 3-3 बच्चे हो गए। वो बच्चे कमज़ोर पैदा होंगे, वो काबिल नहीं होंगे, उनको अच्छी खुराक नहीं मिल पाएगी, उनकी देखभाल भी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा मैंने देखा है हमारी संतान इंसान के भोग से उत्पन्न हुई है। इंसान ने उसको इस दृष्टि से पैदा नहीं किया कि मैं औलाद पैदा करने जा रहा हूँ, बल्कि वो केवल शरीर के आनंद को लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, जिसके कारण उनको अच्छा संस्कार नहीं मिलता। सनातन धर्म में इसलिए था, जिसको कहते गर्भाधान संस्कार, समय निश्चित होता था कि पति पत्नी के पास इस निश्चित समय में जाएगा, और वो औलाद बहुत टॉप मोस्ट होती थी। इसलिए एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ,
दूसरी बात यह है कि हमारी बहु बेटियों को खुराक ठीक नहीं मिलती है, जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे बच्चे जो माँ खाएगी बच्चा जीवन में वही करेगा जो माँ ने खाया है। इसलिए एक तो बात यह है कि हमारी खुराक ठीक नहीं है, और कोई बच्चा, माँ बाप बड़े सुंदर होते हैं लेकिन लेकिन आगे बच्चा काली पैदा हो जाता है। उसका कारण ये है, परमदयाल जी फकीर जी महाराज ने अपनी मिसाल से बताया था कि मेरे बाकी बच्चे सारे गोरे थे लेकिन लड़का जो था वो काले रंग का हो गया। उस दिन मैं क्या किया, अपने स्टेशन एक अपने वर्कर को घर किसी काम के लिए भेजा और वो काले रंग का था। तो माता जी ने ऑब्जेक्शन किया कि मैं नहाकर निकली, आपने कालू को भेज दिया तो बच्चे का रंग ऐसा हो गया। मेरी अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, मैं हम सात बहन भाई थे, हम बाकी सारे पांच के पांच गोरे, लेकिन मेरा छोटा भाई और छोटी बहन काले रंग के थे। कारण क्या था कि सुबह सुबह एक मेरे पिताजी और पंडित जी काले रंग के थे, वो काम पर इकट्ठे जाया करते थे। वो सुबह आ जाता था, चलो जी चलिए काम पर, तो मेरी माता ने उसको देखा, उसका असर माता के ऊपर हुआ। इसलिए उस वक्त क्या होता था, औरतें अपने पति को ही देखती थी, घूंघट रखती थी, उसके अलावा दूसरे को नहीं देखती थी। लेकिन वो भी चला गया, खुराक ठीक नहीं। मैं कहता हूँ अगर बच्चे, अगर माँ को गर्भ के समय में अच्छी खुराक दी जाए, अच्छा फल दिया जाए, अच्छे विचार दिए जाए, अच्छी संगत दिए जाए, गुरु का नाम दिया जाए, तो बच्चे बहुत काबिल हो सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कहूँगा कि एक मिसाल आई मेरे सामने एक मिसाल आई। किसी माता का बच्चा बहुत रुकता था, डॉक्टर ने जोर लगा लिया तो बच्चा चुप नहीं हुआ। फिर वो किसी महात्मा के पास गई, महात्मा ने देखा, उसने कहा बेटी आप घर जाओ और पकौड़े बनाओ बढ़िया से चटनी के साथ, अपनी बहू को कहो खाए और बच्चे को दूध दे। और उसने जब ऐसा किया, दूध पिया उसने बच्चे ने, तो वो चीज़ बच्चा बिल्कुल चुप हो गया। उसने डॉक्टर को कहा दे देखो पकौड़े से ठीक हो गया। कारण मैं कहना चाहता हूँ, जब बच्चा पेट में हो, बेटी या बहू जो कुछ भी खाने को चाहिए उसको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अगर नहीं दिया गया तो बच्चा किसी न किसी कारण से उसमें कोई कमी रह जाएगी। दूसरा मैंने ये भी देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले हाथ कौन लगाता है, क्या वो उस वक्त खुश है, क्या उसका मन की हालत ठीक है, वो अपने आप में है। अगर वो उस वक्त अपने आप है और हंसते हुए बच्चे को हाथ लगाएगा वो बच्चे के ऊपर संस्कार मिलेगा। ऐसी एग्जाम्पल आई है कि किसी औरत ने एक बच्चे को पैदा किया तो जो दाई थी या जो नर्स थी वो उस वक्त आई जबकि उसके भाई की डेथ कुछ घंटे पहले हुई थी, और जैसे उसने हाथ लगाया वो लगातार बच्चा लगातार रोता रहा और उसके ऊपर उसका असर हुआ। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ये माँ के गर्भ से सारे संस्कार लेते हैं। जैसे अभिमन्यु का नाम आपने सुना होगा, महाभारत सुनते हैं आप, लेकिन हम उसके ऊपर अपने आप को अमल नहीं देते। वो गर्भ में था अभिमन्यु, और अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहा था युद्ध के बारे में कि युद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा, और कौरव एक ऐसा चक्र भी बनाएंगे जिसको कोई और नहीं भेद सकता, मैं भेदना जानता हूँ। उस वक्त अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में था, और जब युद्ध हुआ तो अर्जुन किसी और फील्ड में लड़ रहा था, तो उस वक्त उनका चक्कर भी वो आगे बढ़ रहा था। अभिमन्यु ने कहा कि मैं आगे जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे अंदर जाना आता है, मैं बाहर नहीं आ सकता। अंदर तो चला गया और कौरवों ने उसका वध कर दिया। ये दूसरी एक मिसाल थी। दूसरी मिसाल राजा अकबर की है। जब उसको उसके पिता को हुमायूं को शेरशाह सूरी की फौजों ने हरा दिया और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, तो उसको भागना पड़ा दिल्ली से बाहर।
और एक हिंदू राजा राजदेव, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके पास जाकर उसने शरण ली। बहुत दिनों तक उसके शरण में रहा। तो उस शरण में एक दिन वो सैर करके आ रहे थे जंगल से, तो उसकी पत्नी बेगम जो थी वो जमीन पर लाइनें निकाल रही थी। ये ऐतिहासिक सत्य है, जमीन पर लाइनें निकाल रही थी। तो राजा ने पूछा, बेगम जी आप कैसे निराश क्यों हैं, ये लाइनें निकाल रही हैं। उसने कहा, मैं लाइनें नहीं निकाल रही हूँ, मैं देश का नक्शा बना रही हूँ भारत का, जिस पर मेरा पुत्र जो पैदा होने वाला है वो इतना बड़ा राजा, इतने बड़े देश का राजा बनेगा। तो ये क्या है, ये चीज़ क्या साबित करती है कि माँ के संस्कार बच्चे को जीवन देती है, और उसका रूप भी उसके ख्याल से बनता है, उसके संस्कार भी उसके ख्याल से बनते हैं, और उसका फ्यूचर भी उसी संस्कार से बनता है। और अगर उस गर्भाधान में पति पत्नी, बच्चा गर्भ में है और पति पत्नी फिर भी वही जीवन अपना अपनाए हुए हैं, शरीर के सुख के लिए आपस में भोग करते हैं, तो उस बच्चे के ऊपर वही असर होगा। यही कारण है कि आज हमारे बच्चे जिंदगी से पहले, उम्र से पहले इन गलत संगत में जा रहे हैं, और हमारे देश के नौजवान बहुत बुरी तरह से अपने आप को पीड़ित पा रहे हैं। ये जो बातें हैं ये बहुत बहुत महत्व रखती हैं। हमें सबसे पहले बाकी सारे काम छोड़कर नेक औलाद को पैदा करने का ख्याल करना चाहिए। एक बात मैं और बड़ी गौर से बताता हूँ। कुछ मैं विवाहित लोगों को, बच्चों को देखा है जिनके बच्चे हैंडीकैप पैदा हुए हैं, किसी का टांग भी नहीं है या किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा बैठा करके, मुझे सत्य बताओ कि जब ये बच्चा अपनी माँ के गर्भ में था आपने अपनी पत्नी को कौन सी दवाई दी। तो वो बताते हैं, मुझे बताया तीन आदमियों ने, कि हम चाहते थे अभी बच्चा पैदा ना हो और बच्चा का अबॉर्शन हो जाए, अबॉर्शन नहीं हुआ लेकिन बच्चा हैंडीकैप पैदा हुआ। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे सामने तीन एग्जांपल्स हैं, तीन जिनको मैंने देखा, और उनके बच्चे अपने माँ बाप के लिए श्राप बने हुए हैं, उनको संभालना मुश्किल हो रहा है, उनकी उम्र काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है, शादी को वो काबिल नहीं है, वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, मेंटली अनबैलेंस्ड है। तो ये जो एक हमारे समाज में ये शरीर को सुख प्राप्त करने के लिए जो हमारे नौजवान, मेरी बहनें या भाई जो भी मैं कह सकता हूँ, वो एक बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वही संस्कार आने चाहिए कि पहला बच्चा गर्भ में आए तो बहू अपने मेके चली जाए, जब तक उसका वहाँ बच्चे का जन्म ना हो उसको अपने पति के पास नहीं आना चाहिए। ऐसा होता था लेकिन अब तो विवाह हुआ नहीं, दूसरे दिन ही हनीमून पर चले जाते हैं, दूसरे दिन ही पता भी नहीं लगता, घर वालों को बहू देखने का भी मौका नहीं लगता। मैं ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं। वो क्या हुआ हनीमून की, किस बात का हनीमून, घर में सब कुछ है, ईस्ट और बेस्ट, होम इज द बेस्ट, पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपनी सेहत भी ज़्यादा बर्बाद करके आते हैं। तो वो जो सिस्टम हमारे समाज में आ रहा है, इसलिए हम संतान से आज दुखी हैं। कोई भाग्यशाली परिवार होगा जिसके परिवार में माता पिता अपने बच्चों से सुखी हैं। शिकायतें आती हैं, मेरे पास आते हैं कई माताएं और बताती हैं, बच्चा कहने नहीं लगता, बच्चा ये करता है वो करता है। मैं पूछता हूँ, तू क्या अपने पति के कहने लगती है बेटी, क्या तू अपनी सास के कहने लगती है, क्या तू उनकी सेवा करती है? नहीं। जब तुमने सेवा करते तो तुम्हारे बच्चे आगे क्या सेवा करेंगे। मेरे पास एक जोड़ी आ गई, मैं बात बड़ी गौर से कह रहा हूँ, अब वो प्रसाद लेने आते हैं लोग, ऐसा विचार करते हैं कि बाबा लड़के देता है, ये गलत बात है। कोई बाबा कोई कुछ नहीं किसी को दे सकता, तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारा अपना प्यार है,
जो किसी से कुछ प्राप्त कर सकता है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने मेरे पास आकर अपने सेब रखे कि बाबा जी प्रसाद लेना। मैं क्या अभी टाइम नहीं है, सत्संग के बाद मिलना। वो मेरे पास आके बैठ गए। मैंने पूछा उनको कि बताइए आप बेटी तेरी सास है? हाँ जी। आप उसकी सेवा करती हो? चुप। क्या उनको कभी चाय पिलाई? चुप। क्या उनको कभी कपड़े धोए? नहीं। क्या रोटी खिलाई? नहीं। ऐसे उस बेटे को पूछा, तुम पिता की आज्ञा में करते हो काम? कभी पिता के साथ सेवा की? दोनों ने इनकार कर दिया। मैंने कहा अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, तुम्हें कोई भगवान बच्चा नहीं दे सकता। मेरी तो कोई हस्ती ही नहीं है। जिस बहू के सिर पर सास हाथ रखती है, जिस बेटे के सिर पर बाप हाथ रखता है, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता। उसको हर चीज़ मिलती है, वो सुखी से जीवन गुजारते हैं। इसलिए ये हमारा समाज आज क्या हो गया है, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, घर में सब कुछ है, क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले हैं। इसलिए मेरी अपील है, सारे सारे मानव जाति से अपील है कि आओ हम इस ओर ध्यान दें, देखें कि हमारी संतान को कैसे हमने पालन पोषण करना है, हमने कैसे उनको संस्कार देने हैं, हमने उनकी संगत को कैसे अच्छा करना है, उनके करैक्टर का ख्याल कैसे करना है। लेकिन माँ बाप ही नहीं करैक्टर अपना ठीक रखते तो बच्चे कैसे रखेंगे? बच्चे भी नहीं रख सकते। इसलिए ट्राई टू बिकम एन एग्जाम्पल टू योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनकर रहो। ये नहीं है कि आप भी लड़ रहे हो तो बच्चे भी लड़ेंगे। बच्चे माँ बाप से संस्कार लेते हैं। और ये कारण है कि पंजाबी में कहावत है, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों जाने ब्रह्म ज्ञानी। जहाँ 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 कोई आज्ञा का पालन नहीं होता, बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं होता, बड़ों की इज्जत नहीं होती, वहाँ कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ भूल गए। हमें तो अपना समय याद आता है। पिताजी बाहर से आते थे, हम चारपाई से उठ जाते थे, हम नहीं उनके सामने चारपाई में बैठते थे, बिल्कुल दूर हो जाते थे, क्योंकि पिताजी हैं, माताजी हैं, हम कभी भी उनका मुकाबला नहीं करते थे। ज़मीन पर बैठ जाते थे या कोई और चीज़ लेकर बैठ जाते थे। लेकिन आज तो साथ बैठते हैं। और साथ मैं क्या आपको बताऊं, मैं कहीं रिश्ते में गया, मेरी बात को गौर सुनना, मैं कहीं अपने खास रिश्ते के घर गया, रिश्तेदार थे, तो शाम को खाना बन गया, मुझे बुलाया गया, आइए जी। मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे अपने रिश्तेदार की बात है। तो मैंने कहा मैं तो यही ये चीज़ आपकी पीता नहीं हूँ, मेरी मैं तो कभी नहीं ये पीता, ना मैं ये खाता हूँ, मुझे तो एक फुलका दे दो, एक दाल दे दो, बस पानी का गिलास दे दो। तो उसने कहा वो छोड़ो, ये हमारे मुकाबला कैसे कर सकते हैं, बेटा तू आ जा मेरा साथ दे। वो लड़का केवल 7-8 साल का था उसका, उस इंसान का, और उसने उसको भी शराब पा कर दी, पानी दिया, ले बेटा मेरे साथ मला इसको, और पी गया। वो लड़का सारी उम्र शराब पीता रहा और शराब पीकर ही वो मर गया। अब बताइए क्या कौन जिम्मेदार है उस बच्चे के, क्या उस जत का? माँ बाप, बाप जिम्मेदार है, बराबर बैठते हैं। इन चीज़ों के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा। मेरा यही आपसे प्रार्थना है कि आओ बाकी सब काम छोड़ दो। तुम्हारी प्रॉपर्टी सबसे बड़ी तुम्हारी औलाद है। जो मर्जी बना लो, जितना मर्जी बढ़ा लो, मकान बना लो, कोठियाँ बना लो, बिजनेस बना लो, अगर आपकी औलाद ठीक नहीं है वो सब बर्बाद कर देगी। बच्चा वही होता है जो बाप से बाप के काम को आगे बढ़ाए, ये नहीं कि वो बर्बाद कर दे। कारण सिर्फ हमारा है, हम ही उनको इस काबिल नहीं बनाते, इसलिए हम आज दुखी हैं। आओ सुखी रहने के लिए अपने गृहस्थ जीवन में परिवर्तन लाएं, अपनी रहनी में परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनकर जिए, अपने आपस में प्रेम पैदा किए, जहाँ प्रेम जिन प्रेम की हो त
तिन ही पर पायो। जिस घर में कला है, जिस घर में लड़ाई है, जिस घर में अशांति है, जिस घर में इज्जत नहीं है, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आप सुनने वालों को हार्दिक शुभकामना। मेरे विचारों के ऊपर अपनी चिंतन करो और सोचो क्या कैसे बच्चे होने चाहिए। मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सबको नमस्कार और राधा स्वामी।